तो अब देखेंगे हम कि एयर प्रेशर का हमारी डेली लाइफ में क्या क्या यूज़ है। ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि एयर जो है वो प्रेशर लगाती है, लेकिन उस प्रेशर का हमारी लाइफ में क्या यूज़ है ये हम देख लेते हैं। इट इज़ एयर प्रेशर विच हेल्प्स अस ड्रिंक समथिंग विद स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से हम कुछ पीते हैं, है ना, तो ये किस वजह से पी पाते हैं, क्योंकि हम उसको सक कर रहे हैं। सक कर रहे हैं मतलब क्या है, एयर की जो हवा है, स्ट्रॉ की जो हवा है, ठीक है, वो प्रेशर से हमारे मुंह में जा रही है, और जितनी प्रेशर से वो हमारे मुंह में जा रही है, बाहर की एयर भी क्या कर रही है, उतना ही प्रेशर लगा रही है स्ट्रॉ के अंदर जाने के लिए। ठीक है, इस तरह से जो बाहर की एयर है वो अपने साथ में लिक्विड को भी पाइप में स्ट्रॉ में लेकर चली जाती है, और इस तरह से हम किसी भी चीज़ को पी पाते हैं। ठीक है, नाउ द मेडिसिन ड्रॉपर वर्क्स बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। जो बच्चों को हम दवाई पिलाते हैं ड्रॉपर से, देखा होगा आपने, ठीक है, वो भी किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, एयर प्रिंसिपल पे, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है। ठीक है, आउटसाइड एयर प्रेसेस ऑन द लिक्विड एंड फोर्सेस इट टू मूव अप द ड्रॉपर। ठीक है, जैसे ही हम क्या करते हैं, ड्रॉपर को दबाते हैं, ठीक है, उसमें से हवा बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलेगी तो जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे तो वो वापस अंदर जाने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो जैसे ही हम ड्रॉपर छोड़ते हैं, हवा वापस अंदर जाने की कोशिश करती है, और हवा के साथ साथ जो मेडिसिन है, जो दवाई है, वो भी उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, इस तरह से ड्रॉपर जो है वो दवाई से भर जाता है। नाउ व्हेन एयर इज़ ब्लो इनटू अ बलून इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द बलून कॉजिंग इट टू इन्फ्लेट। ठीक है, उसी तरह जब हम बलून फुलाते हैं, ठीक है, तो बलून का साइज़ भी बढ़ता है। क्यों बलून का साइज़ बढ़ता है, क्योंकि जो हवा हम बलून के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है, बलून की वॉल पे प्रेशर डाल रही है, और इस वजह से बलून का साइज़ जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि जितनी हम हवा डाल रहे हैं उतना साइज़ बढ़ रहा है, जितना साइज़ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि हवा उतना ज़्यादा प्रेशर लगा रही है उसमें अंदर घुसने के लिए। ठीक है, इफ़ यू कीप ब्लोइंग एयर इनटू द बलून द प्रेशर कीप्स इंक्रीजिंग एंड द बलून कीप्स बिकमिंग बिगर। When the pressure become too much and the balloon cannot inflate any further, it bursts. ठीक है, अगर आप बलून फुलाते जाओगे, ठीक है, जब तक बलून की कैपेसिटी है तब तक उसमें हवा जाती जाएगी, हवा प्रेशर लगाती जाएगी। ठीक है, जब बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा, जब और ज़्यादा प्रेशर बलून की वॉल सहन नहीं कर पाएगी, ठीक है, तो फिर क्या होगा, बलून बस्ट हो जाएगा, मतलब बलून फूट जाता है। ठीक है, नाउ यूजेज ऑफ एयर। अब एयर के क्या क्या यूजेस हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमको सभी को पता है हमको हवा क्यों चाहिए, सांस लेने के लिए। ठीक है, जितने भी लिविंग थिंग हैं, मतलब ह्यूमन, एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स, इन सभी को ब्रीथ करने के लिए क्या चाहिए, एयर चाहिए। ठीक है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स कंटिन्यूसली यूज ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम देयर फूड। ठीक है, तो जो ह्यूमन है और एनिमल, ठीक है, ये क्या करते हैं, हवा में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उसको ब्रीद इन करते हैं। ठीक है, और जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, उस खाने से, उस ऑक्सीजन की हेल्प से फिर हम एनर्जी लेते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन मतलब जो हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, वो जाके स्टोर हो जाता है हमारी बॉडी में, किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। ठीक है, फिर जब हम एयर ब्रीद करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, फिर ये ऑक्सीजन जाती है उस ग्लूकोज से, रिएक्शन करती है, ग्लूकोज को ब्रेक करती है, और उससे बहुत सारा एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, यही एनर्जी हमें काम करने के लिए या अलग अलग एक्टिविटी करने के लिए काम आती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। ठीक है, प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन एयर टू प्रोड्यूस देयर फूड थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ब्रीद इन करते हैं, और उसकी हेल्प से क्या बनाते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस, और ये प्रोसेस हमेशा सनलाइट में होती है, दिन के समय होती है। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस सिंपल शुगर्स आर प्रोड्यूस बाय द लीव्स एंड ऑक्सीजन गैसेज रिलीज इन टू एटमोसफेयर। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो प्लांट है वो क्या बनाता है, शुगर बना लेता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज असेंशियल फॉर द बर्निंग प्रोसेस। ठीक है, जलने के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है। ठीक है, आग लगती है, ठीक है,
किसी भी चीज़ को जलाओगे तो वहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन होना ज़रूरी है। बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती, ठीक है। एयर हेल्प्स बलून, काइट एंड एरोप्लेन्स टू फ्लाई, ठीक है। एयर की हेल्प से क्या होता है, बलून, काइट और एरोप्लेन भी फ्लाई होते हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं। एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट टायर्स ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। जो गाड़ियों के टायर होते हैं उसमें भी हवा भरी होती है, जिसकी वजह से जो व्हील है वो अच्छे से घूम पाता है, रन कर पाता है, ठीक है। एयर हेल्प्स इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी एयर हेल्प करती है। विदाउट एयर द ड्रम वुड बींग बैंग बट वी वुड नॉट बी एबल टू हियर इट, ठीक है। अगर हवा ही नहीं होगी तो हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जो साउंड है वो ट्रैवल कहाँ करता है, एयर में ट्रैवल करता है, ठीक है। अगर कहीं ड्रम बज रहा है या गाना बज रहा है, दूर से ही हमको सुनाई दे देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि जो साउंड वेव है, ठीक है, वो एयर की हेल्प से ट्रैवल करते हुए हमारे कानों तक आ जाती है, ठीक है। कैसे आएगी, क्योंकि जब भी कोई साउंड प्रोड्यूस होता है तो हवा वाइब्रेट होने लगती है, ठीक है। और ये वाइब्रेटेड जो एयर होती है, वाइब्रेशन करती हुई एयर, ये धीरे धीरे करके हमारे ईयर्स तक पहुंच जाती है, ठीक है, और हमको आवाज़ सुनाई देती है। नाउ एयर पोल्यूशन, जैसे हमने वाटर पोल्यूशन पढ़ा था वैसे ही एयर पोल्यूशन, ठीक है। मतलब जो हवा गंदी हो जाती है, जिससे हम ब्रीद नहीं कर पाते इजीली, ठीक है, जो हमारी हार्मफुल हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पोल्यूटेड एयर, ठीक है, और इसे ही हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। व्हेन एयर बिकम डर्टी ड्यू टू द एमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेज फ्रॉम फैक्ट्री स्मोक्स एंड व्हीकल्स एंड ड्यू टू डस्ट पार्टिकल, इट इज़ सेट टू बी पोल्यूटेड, ठीक है। फैक्ट्री से जो गंदा धुआं निकलता है, गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उससे हवा क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, ठीक है। गंदी कैसे होगी, क्योंकि जहरीली गैसेज उसमें मिल जाती है, डस्ट पार्टिकल उसमें मिल जाते हैं, तो हम उसको ब्रीद नहीं कर पाते। इसी को क्या कहते हैं, पोल्यूटेड एयर, ठीक है। एयर पोल्यूशन कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन प्लांट एंड एनिमल्स, और ये जो एयर पोल्यूशन है वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ पोल्यूटेड एयर में लीड टू डिजीज लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा हम पोल्यूटेड एयर में रहेंगे तो हमको बहुत सारी डिजीज़ हो जाएगी, जैसे एस्थमा और ब्रोंकाइटिस, ठीक है। नाउअडेज सेवरल स्टेप्स हैव बीन टेकन टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसको कंट्रोल करने के लिए अब आजकल स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ठीक है। कार इंजिन्स आर डिज़ाइन टू प्रोड्यूस लेस पोल्यूशन, अब क्या क्या स्टेप उठाए जा रहे हैं कि जो कार डिज़ाइन हो रही है उनके इंजन इस तरह से बनाए जा रहे हैं कि कम पॉल्यूशन हो, ठीक है। फैक्ट्रीज हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू फिल्टर आउट द पॉइजनस गैस फ्रॉम द स्मोक बिफोर रिलीजिंग देम इन टू एयर। अब फैक्ट्री में क्या होता है कि चिमनी लगी होती है, चिमनी में से जो धुआं है, ठीक है, वो बाहर निकलता है, तो धुएं में जो जहरीली गैसेस होती हैं वो भी एयर में जाके मिल जाती हैं। तो फैक्ट्रीज़ को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप पहले जो धुआं निकल रहा है आपके फैक्ट्री से, जो गंदा धुआं निकल रहा है, उसको अपनी फैक्ट्री में ही आप फिल्टर करेंगे। जो जहरीली गैसेज हैं वो हवा में नहीं मिलना चाहिए, आप जहरीली गैसेज को अब्सॉर्ब कर लीजिए और ऊपर साफ हवा जाने दीजिए, ठीक है। ये नाउ सम मोर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन टू प्रिवेंट एयर पोल्यूशन आर एज फॉलोज, ठीक है। इनके अलावा और क्या क्या स्टेप हैं जो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जा सकते हैं। प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एज दे प्यूरीफाई एयर बाय गिविंग आउट ऑक्सीजन, ठीक है। देखो एयर कैसे पोल्यूट होगी, एयर में नंबर ऑफ ऑक्सीजन जब कम हो जाएगा, ठीक है, एयर में जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो जाएगी तभी हम उसको पोल्यूटेड एयर बोलते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम कैसे होगी, दूसरी गैसेस जब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, तो हमको पता है प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं, ठीक है। तो हम जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन हमको मिलेगी, ठीक है। तो एक तरीका ये है। दूसरा, एनकरेज द यूज़ ऑफ CNG इन ऑल द व्हीकल्स, ठीक है। गाड़ियों में क्या चलता है, एज अ फ्यूल हम पेट्रोल डीजल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल और डीजल के जलने से भी धुआं निकलता है, जो धुआं हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, एयर के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, CNG, ठीक है। CNG मतलब कंप्रेस नेचुरल गैस होती है, ठीक है, जो सिलेंडर में भर के गाड़ियों में भरी जाती है और जिससे गाड़ियां चलती है। तो उससे क्या होता है, कम धुआं निकलता है, ठीक है, और पोल्यूशन भी कम होता है। अवॉइड बर्निंग ऑफ गार्बेज और ड्राई लीव्स एज इट इज़
एज इट प्रोड्यूसेस हार्मफुल गैसेस। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कचरे का ढेर इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं, सूखे पत्ते इकट्ठा करके उसमें आग लगा देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हार्मफुल गैसेस रिलीज होती हैं, निकलती हैं और हमारे एटमोसफेयर में जाके मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये नहीं करना चाहिए। कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन, आपके आसपास का जो एरिया है उसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। ठीक है, इनकरेज द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जो बस चल रही है, ऑटो चल रही है, उसमें जाना चाहिए। अपने पर्सनल व्हीकल का यूज़ कम से कम करना चाहिए। ठीक है, नाउ फैक्ट्री शुड बी बिल्ट अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया। ठीक है, रेसिडेंशियल एरिया मतलब जहाँ बस्ती होती, घनी बस्ती होती, वहाँ पे जो भी फैक्ट्रीज़ हैं अगर हैं तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि फैक्ट्रीज़ में से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं उससे वहाँ के आसपास के लोगों को खतरा हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं।